الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات صدق الله العلي العظيم
जान सके। हुजूर की ज़ाते गिरामी तो हक़ सुभानहु व तआला का सबसे बड़ा मौजज़ा है, इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं। उस मौजज़े की तायीद के लिए जो मौजज़े आए, उस मौजज़े को समझाने के लिए जो मौजज़े आए, उस मौजज़े की तस्बीत के लिए जो मौजज़े आए, उनमें फिर सबसे बड़ा मौजज़ा क़ुरान है। और ये क़ुरान मुसलसल आपके सामने ये बहस छिड़ी हुई है कि हक़ सुभानहु व तआला ने ख़ुद इस क़ुरान को क़ुरान हकीम कहा है, किताब हकीम कहा है। और एक मकाम पर ये जो मैं मुसलसल तिलावत कर रहा हूँ, सूरह मुबारक आले इमरान की आयत 7वीं आयत, इसमें क़ुरान मजीद की आयतों की तसनीफ़ व तकसीम इस तरह की गई है कि कुछ आयतें मुहकम हैं और कुछ मुतशाबिह, लेकिन कहा गया कि वो आयतें जो मुहकम हैं वही उम्मुल किताब हैं, हुन उम्मुल किताब। लफ्ज़ उम जो है ये बड़ा फ़िक्रंगेज़ और बड़ा गौर तलब और बहुत इसके मानी में गहराई है। आम तौर पर हमारे यहाँ सिर्फ माँ को उम कहते हैं, लेकिन अरबी में जो इसके इस्तेमालात और क़ुरान में जो इस्तेमालात हैं वो सिर्फ माँ के लिए नहीं हैं, किसी भी हकीक़त की असल उम कहलाती है। जैसे यहीं पर है, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, वही है वो ज़ाते बाबरकत, वही है वो खुदाई अख्ता, वही है वो अज़ीम व दाना, वही है रब्बुल आलमीन, वही है अज़ीज़ व हकीम जिसने आप पर ये किताब नाजिल की। हुवल्लज़ी, ये हुवल्लज़ी का जो फ़िक्रा है ना, ये ताबीर ये क़ुरान मजीद में बड़ी तजल्लियों की हामिल है। हुवल्लज़ी जैसे सूरह मुबारक है जुमा, हर जुमे को पढ़ते होंगे आप, उसकी दूसरी आयत कहाँ से शुरू होती है? हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मीयीना रसूल, हुवल्लज़ी। ये जहाँ हुवल्लज़ी आता है हज़रत हक़ सुभानहु व तआला के ताल्लुक से, वहाँ एक ख़ास अज़मत बारी का इजहार होता है। तो जिस अज़मत के साथ उसने रसूल भेजा है, हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मीयीना रसूला, उसी तरह यहाँ पर है, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वही है जिसने आप पर किताब नाजिल की है। मिन्हु आयातुन मुहकमात, इसी किताब में कुछ मुहकम आयतें हैं, हुन उम्मुल किताब, ये जो मुहकम आयतें हैं यही असल किताब हैं, यही उम्मुल किताब है। तमाम किताब के मतालिब उसी में मुनहसर हैं और उसी से मुतफर्रिअ होते हैं। जैसे किसी शाख की जड़ होती है, उसी से तना बुलंद होता है और फिर उसी तने से शाखें फैलती हैं, तो जो कुछ शाखों से हासिल होता है दरअसल वो जौहर पिन्हा था कहाँ? जड़ में। तो ये जो उम्मुल किताब हैं ये वो मुहकमात हैं, हुन उम्मुल किताब व उखरो मुतशाबिहात, और ये उम्मुल किताब के मुकाबले में कुछ और आयतें हैं कि जो मुतशाबिहात हैं। ये मुतशाबिहात की तारीफ में बहुत कुछ कहा गया और मैंने थोड़े से अक़वाल आपके सामने नकल भी किए, लेकिन
متشابہات کا ایک سادہ سا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو ایک طرف تو وہ طبقہ تھا جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, مکے کے وہ قبیلے جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ مبارکہ یاسین میں جو کہا گیا ہے نا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُہُمْ, ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا, کوئی رسول نہیں آیا. تو اس کا جو ظاہری مفہوم ہے, حالانکہ اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے. دوسری طرف وہ قومیں تھیں جن پر توریت نازل ہو چکی تھی, انجیل نازل ہو چکی تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں اور یہی اصل کتاب ہیں, اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو ان آیتوں سے ملتی جلتی ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں, ملتی جلتی ہیں. لیکن دونوں میں جو فرق و امتیاز ہے وہ طے کون کرے گا؟ وہ یہ آیتیں نازل جو ہو چکی ہیں ام الکتاب کی حیثیت سے. جہاں اور اقوال ہیں وہاں اس ایک قول کی بھی گنجائش موجود ہے. اس طرح سے اگر تفسیر متشابہات کی جائے تو لازمی نہیں ہے کہ متشابہ انہی آیتوں کو کہا جائے کہ جو قطعاً ناقابل تفسیر ہیں. اب یہ بالکل ایک علمی بحث ہے, اسے یہی ترک کر رہا ہوں. اچھا, مان لیا کہ بہت سی آیتیں ہیں جو قطعاً ناقابل تفسیر ہیں, مگر کس کے لیے؟ عام انسانوں کے لیے یا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اب اسی آیت کو اگر آخر تک پڑھیں, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے پیروی کرتے ہیں متشابہات کی, یعنی محکمات کو چھوڑ کر, یعنی جو یقینی باتیں ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور جو یقینی باتیں نہیں ہیں ان کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں. اس اختیار کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ, تاکہ فتنہ برپا کریں. وابتغاء تعویلہ, اور یہ وابتغاء تعویلہ, اور اس کی تعویل, وہ تعویل کریں جو وہ چاہتے ہیں. وابتغاء تعویلہ وما يعلم تعویلہ, وابتغاء تعویلہ وما يعلم تعویلہ الا اللہ, اور کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل مگر اللہ. والراسخون فی العلم, یہاں تک کل بات پہنچی تھی, اسے ذرا سا اور واضح کر دوں. والراسخون فی العلم وما يعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم وما يعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم. یہاں پر یہ ہے کہ وما يعلم, اور نہیں جانتا اس کی تعویل, تعویله کوئی مگر اللہ. اب اللہ کے بعد لکھا ہے والراسخون فی العلم, تو اسے کس طرح ترجمہ کیا جائے کہ نہیں جانتا کوئی تعویل مگر اللہ اور راسخون فی العلم, یا نہیں ٹھہر جائیں یہاں پر, نہیں جانتا کوئی اس کی تعویل مگر اللہ بس. اب دوسرا جملہ شروع کیا گیا, والراسخون فی العلم یقولون, اور جو علم میں راسخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بہی, ہم اس پر ایمان لائے,
कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, जो कुछ है सब हमारे रब की तरफ से है। दोनों क़िरातें मुतबर तरीन मुफस्सरीन के यहाँ मौजूद हैं, यानी एक ये क़िरात, एक ये तफसीर, एक ये उसलूब बयान कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, कोई नहीं जानता उसकी तावील मगर अल्लाह, बस यहाँ खामोश। और राशिखून फिल इल्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। दूसरी तावील ये कि नहीं, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, इसकी तावील नहीं जानता कोई मगर अल्लाह और रासिखून फिल इल्म। और ये जो रासिखून फिल इल्म है, इनकी कैफियत ये है, इनकी सदाए हाल ये है कि ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हर उस हकीकत पर जो रब की तरफ से है। लफ्ज़ी एतबार से इस ताबीर को, इस तफसीर को इख्तियार करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहवी मजबूरी कोई नहीं है, महजूर कोई नहीं है। तो अब बस देखना यह है कि मानवी महजूर है या नहीं। लफ्ज़ी एतबार से, तज़िया और तरकीब के एतबार से, सेंटेंस के कंपोजिशन और कंस्ट्रक्शन के एतबार से दोनों ताबीरें बराबर की हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सी ताबीर अख्तियार की जाए? गोया वो आयत जो मुहकम और मुतशाबे बयान करने के लिए आई है वो खुद ही मुतशाबे हो गई। और हमारे यहाँ वो आयत जो मुहकम और मुतशाबे बयान करने के लिए आई है खुद वो आयत ही मुतशाबे हो गई। अब ये तो नहीं हो सकता। तो फिर मानवी निज़ाम की तरफ देखना होगा कि इस आयत का मानवी नज़्म क्या है। इसलिए मैंने कल बिल्कुल तकरीर के अख्तिताम पर कहा था कि वर रासिखून फिल इल्म, ये ताबीर जो इख्तियार की गई है, ये ताबीर खुद ऐलान करती है, यानी ये बोलती हुई ताबीर खुद पुकारती है कि ये रासिखून फिल इल्म हैं जिन्हें इल्म अल्लाह ने अता किया है। तो खुद वो इन्हें रासिखून फिल इल्म कह रहा है। देखिए, एक मंजिल यह है कि हम किसी को पढ़ा लिखा कहें, एक मंजिल यह है कि हम किसी को हम क्या और हमारी समझ क्या, हम क्या हमारा मेयार क्या, हम किसी एक फर्द के लिए या किसी गरोह के लिए हम कहें कि ये साहिबान इल्म हैं। और एक ये है कि वो परवरदिगार, वो आलिमो अलीमो खबीरो समीओ बसीर, वो खालिके कुरान, वो मुंजिले कुरान, वो कह रहा है वर्रासिखून फिल इल्म, और वो जो इल्म में पाया रखते हैं। एक और सब मिलकर बलम सलाम, वाज़े हो रही है बात, नज़ाकत कि खुद अल्लाह कह रहा है वर रासिखून फिल इल्म। आखिर ये कौन सी शख्सियतें होंगी? क्या कयामत का इल्म होगा इनके पास जो खुदा कहे रासिखून फिल इल्म? वर रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में रासिख हैं, जो इल्म में कामिल हैं, जो इल्म में मजबूत हैं, जो इल्म में मुस्तहकम हैं। खुद लफ्ज़ रासिख को समझने की जरूरत, रासिख का क्या तर्जमा किया जाए, रसूख के क्या मानी है,
आप साहिब रसूख किसे समझते हैं जो उस मंजिल तक पहुंचा हुआ हो कि जहां गिरह कुशाई कर सके। जो उकदा कुशाई कर सके, जो मकसद को हासिल कर सके और मकसद दिला सके, जो मंजिल तक पहुंचा हुआ हो और मंजिल तक दूसरे को पहुंचा सके, जो गौहरे मुराद पा चुका हो और दूसरे को गौहरे मुराद दे सके, उसी को तो रासिख कहते हैं कि ये साहिब असर व रसूख हैं। तकरीब ज़हन के लिए सब जुमले अर्ज़ करता हूँ। तो वर रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रसूख रखते हैं, ये बोलती हुई ताबीर पुकारती है कि ये इशारा ऐसी हस्तियों की तरफ है जिन हस्तियों को अल्लाह ने तावील कुरान अता फरमाई, और फिर उनकी ये कैफियत है, कहते हैं आमन्ना बिही। तवज्जो रखिएगा, कोई जाहिल कहे कि मैं ईमान लाया तो उसके ईमान की क्या हकीकत है? कुरआने मजीद तरबियत के लिए भी तो आया है ना, तरबियत, तालीम, तज़किया, और इंसान को जुल्मतों से निकाल के नूर तक पहुंचाने के लिए आया है ना कुरान। तो इसके और रब का कलाम है, तो इसमें रुबूबियत की शान के साथ साथ तरबियत की तमाम हिकमतें हैं। रुबूबियत की तमाम तर लताफतों और इनायतों के साथ तरबियत की तमाम तर हिकमतें हैं। एक गरोह हो जो किसी मसले में नादान और शक में मुब्तला हो, और दूसरी तरफ कुछ लोग हों पढ़े लिखे दानिश्वर, सारी दुनिया का इल्म रखने वाले, और वो किसी की बात पर यकीन कर चुके हों, तो वहाँ बतौर मिसाल कहा जाएगा कि देखो तुम लोग तो यकीन नहीं रखते, ये जो साहिबान इल्म खबर हैं ये हमारी बात पर यकीन रखते हैं। परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ये मुतशाबिहात का इल्म किसी को नहीं है मगर अल्लाह को है। वर रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में रासिख हैं ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, आमन्ना बिही। ये आमन्ना बिही हमेशा याद रखिएगा, जहल के साथ ईमान ईमान ही नहीं होता। ईमान नाम है तस्दीक का, तस्दीक फर है खबर की। कुछ इंफॉर्मेशन आई, खबर मिली, इत्तला मिली, इब्तदाई इल्म हासिल हुआ, फिर इंसान ने इब्तदाई तसव्वुरात हासिल हुए, फिर उन इब्तदाई तसव्वुरात पर आपने तस्दीक की, मोहर तस्दीक लगाई, दिल से कहा कि हाँ ये बात सच्ची है। ये जहल के मरातिब नहीं है, ये इल्म के मरातिब है। कोई नादान किसी भी बात पे यकीन करके बैठ जाए तो उसके यकीन की क्या हैसियत है? कोई बेखबर और नादान किसी बात का यकीन कर ले, उसके यकीन की क्या हैसियत है? और जो भी हो अवाम में, कम से कम कोई ख़ास इंसान उसके यकीन को काबिले हवाला नहीं बना सकता। और यहाँ परवरदिगार हवाले के तौर पे कह रहा है कि ये जो रासिखून फिल इल्म हैं, ये जो इल्म में कमाल और रसूख रखते हैं, जिनका इल्म मुस्तहकम और रासिख है, ये कहते हैं आमन्ना बिही, हम ईमान लाए इस पर, कुल्लुम मिन इंदे रब्बिना, ये मुहकमात और मुतशाबिहात सब हमारे रब के जानिब से हैं। यहां ठहर कर जरा सा एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। खुद कुरान मजीद में बाज़ ऐसी आयतें मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि मसलन गालिबन सूरह मुबारक नहल में है, वानजलना इलैकल किताब, और हमने
ऐ हबीब आप पर किताब नाजिल की है ले तुबय्यिना लिन्नास, ताकि लोगों के सामने आप बयान करें मा नुज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने किताब नाजिल की है ताकि आप इनके सामने इस किताब को बयान करें। तो जब बयान करने का इख्तियार दिया है और बयान करने का काम सुपुर्द किया है, बयान करने का वजीफा दिया है, बयान करने की जिम्मेदारी दी है, तो क्या इल्म नहीं दिया होगा बयान करने के लिए? कोई किसी और का इंतखाब नहीं है, यानी ये तो दुनिया में होता है कभी कभी, वो भी कभी कभी कहीं होता है कि जहाँ अदल व इंसाफ के तकाजे पेश नज़र न हों, हुकूक़ बशरी के तकाजे पेश नज़र न हों, हिफ्ज़ मरातिब पेश नज़र न हो, जहाँ किसी ज़ाती मसलहत की बिना पर सिफारिश से या किसी और वजह से किसी नाअहिल को कोई मनसब दे दिया जाए, नऊज़ु बिल्लाह। अब्बास यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लेक्चरर्स लगा दिए जाते हैं, अब यहाँ मैंने लफ्ज़ जानबूझ के कहा है, लेक्चरर लगा दिए जाते हैं जो वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकते, जो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकते मगर मालूम हुआ लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? कॉलेज के मैनेजर के दोस्त थे या अजीज़ थे या रिश्तेदार थे या किसी मिनिस्टर के अजीज़ थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, कोई सबब था जो ये लगा दिए गए। नऊज़ुबिर, ये मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि बात जहन से करीब आ जाए, यानी जो पढ़ा नहीं सकता कोई सब्जेक्ट उसे पढ़ाने के लिए मामूर कर दिया गया। भाई ये मुजरिम मुआशरे में होता है, ये करप्ट मुआशरे में होता है। वो हक सुभानहु व तआला जो अलीम और आदिल और हकीम और खबीर है, वो अपने रसूल से कह रहा है ये किताब हमने नाजिल की है आप पर, वह अनज़ला इलैकल किताब लितुबय्यिना लिन्नास या ले तुबय्यिना लहुम, मुख्तलिफ ताबीरें, ताकि आप लोगों के लिए बयान करें। क्या बयान करें कि क्या चीज अल्लाह ने उन पर नाजिल की है? तो जो कुछ भी अल्लाह ने मुहकम या मुतशाबह नाजिल किया है, जो कुछ भी अल्लाह ने नाजिल किया है, उस सब की तफसीर पैगंबर को बताई है और फिर पैगंबर को हुक्म दिया है कि इसकी तफसीर आप बयान करें। इसलिए ये मसला अज़रू अक्ल और अज़रू नकल, किताब और अक्ल दोनों लिहाज से तय शुदा तस्लीम किया जाएगा कि कुरान मजीद की एक एक आयत की तफसीर, एक एक हर्फ की तफसीर मुस्तफा पर आया थी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़्यादा मकामात पर कुरान मजीद में यह मज़मून आया है मुख्तलिफ अल्फाज में, और ख़ुद सूरह नहल ही में एक से ज़ायद मरतबा मुकर्रर हुआ है ये मज़मून कि हमने नाजिल किया है ताकि आप बयान करें। और ख़ुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक हदीस है, और हदीस सहीह, हदीस सहीह, हज़रत इमाम अहमद इबन हम्बल ने इसे नकल किया, इमाम अबू दाऊद ने नकल किया,
और इस अहद के अल्लामे अल्बानी ने उसकी तस्दीक की और तूल तारीख़ में बहुत से हजरात ने उसकी तस्दीक की। पैगंबर ने फरमाया अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु मा हदीथे सहीह, हदीथे सहीह, हदीथे सहीह। आगाह रहो कि अल्लाह ने हमें किताब दी है और किताब ही के मिसल एक चीज इसके साथ हमें अता की है। अहमद इब्ने हंबल ने नकल की, अबू दाऊद ने नकल की, अजलूनी ने नकल की, अल्बानी ने नकल की और तस्दीक व तस्हीह की। एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने नकल की और तस्दीक की और तस्हीह की और किसी ने तान नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि यह गलत रिवायत है या सही है या ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। हज़रत ने फरमाया दो ताबीरें, कहीं कहा अला इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिस्लहु मा, और कहीं कहा अला इन्नी या इन्ननी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मा। देखो मुझे कुरान दिया गया है और कुरान ही के मिसल उसके साथ कुछ और भी दिया गया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। यानी जो कुछ मतन किताब है, मतन के साथ साथ जो शर्ह है, तफसीर है, बयान है, वो हमें अल्लाह ने खुद अता किया है। इस हदीस और उस आयत की मौजूदगी में एक मसला तो ये बिल्कुल रोशन होना चाहिए कि कोई ये जुरात ना करे, ये जसारत ना करे कि हदीस पैगंबर की कदर और कीमत को कम करे। ये जो बाज़ हज़रात ख़ुद को अहल क़ुरान कहते हैं वो कहते हैं हदीस की कोई हैसियत नहीं है। ये हदीस के लिए कहना कि हदीस की कोई हैसियत नहीं है तकज़ीब क़ुरान है, ये ख़ुद क़ुरान को झुटलाना है। हदीस की फ़िल हकीक़त व फ़िल वाक़े व फ़िल असल अहमियत है, हर वो कलाम जो साबित हो जाए कि पैगम्बर ने कहा है उसकी कदर व कीमत कुरान की आयत से कम नहीं आए। हर वो जुमला जो साबित हो जाए कि पैगंबर ने कहा है, ये नहीं कि मुहद्दिसीन दावा करें कि पैगंबर ने कहा है, वरना वो भी लाखों की तादाद में है। लाखों की तादाद में जो हुजूर ने नहीं कहा और हुजूर की तरफ निस्बत दी गई, वो एक तारीख़ का अलमिया है, तारीख़ इस्लाम का और सकाफ़त मिल्लत इस्लामिया का एक अलमिया है। लेकिन हाँ वहाँ वो हदीसें भी हैं जो सही सनद हैं और जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हुई हैं। अच्छा मुझे किसी का तबसरा याद आ गया, किसी ने मुझसे कहलाया है कि आपकी मजलिस में, अब क्या मैं नकल करूँ, सलावात का शोर बहुत होता है और जिससे आपकी बात समझ में नहीं आती और लोग दिलों में सलावात पढ़ लें और आप बयान करें। मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूँ ये जुमला ताकि आप इस सलावात के शोर में कोई कमी ना करें। सलावात अच्छी, जिसे सलावात अच्छी न लगती हो, सलावात सुनना पसंद न हो, सलावात
जिसके कानों पे बार हो वो मेरी मजलिस ना सुने। हमें ऐसे सामेईन नहीं चाहिए, खामखा जहमत ना करें, मशक्कत ना उठाएं। हमारा कोई जुमला आपके काम नहीं आएगा, खुदा करे काम ना आए। सलावात ही तो मजलिस की जीनत है। ये सलावात आपको मालूम है, आपने कुरानी पढ़ा। मैं इसी मेंबर से अर्ज कर चुका हूँ और कई जगह अर्ज कर चुका हूँ, इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। अल्लाह के इसमें आजम से कुछ ज्यादा कमतर नहीं है ये जिक्र। खुद कुरान मजीद अगर आप पढ़ते हो, अगर तौफीक हुई हो या तौफीक हो जाए तो पढ़ लीजिएगा कि इस सलावात का क्या रुतबा है। मैं पढ़ चुका हूँ, फिर मुकर्रर अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह 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 है भाई, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, वो मुबदी है, वो मुईद है, वहीं से आए हैं, वहीं पलट के जाना है, उसी ने सब कुछ दिया है, वही हिसाब लेगा हैं, और वही इनाम देगा नेकियों की पर, वही सजाएं देगा खताओं पर। उसने अपनी तमाम अजमतों के साथ अहकामात दिए हैं, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज पे जाओ, ज़कात दो, सदका अदा करो, सच बोलो, झूठ से परहेज़ करो, गुनाहों से परहेज़ करो, तमाम अहकाम उसने हाकिम की हैसियत से दिए हैं। इल्ला एक मकाम है, सिर्फ एक मकाम जहाँ उसने किस मोहब्बत से, शफ़क़त से अपने इश्क का इजहार किया है, मोहब्बत का इजहार किया है, ताज़ीम का इजहार किया है, वो जो सबसे मुअज़्ज़म है, उसने किसी की ताज़ीम का इजहार किया है और उसने कहा देखो मैं और मेरे ख़ास मलाइका इस नबी पर सलावात भेजते हैं, ईमान लाने वालों तुम भी सलावात भेजो। और सिर्फ सलावात नहीं, इस नबी के सामने इस तरह सर तस्लीम खम करो कि इताअत का हक अदा हो जाए। सलावात जो आपसे कहता हूँ या आप जो सलावात पढ़ते हैं, एक तो ये कि जब भी जहाँ भी ख्याल भी आ जाए पैगंबर का तो दरूद ज़रूर पढ़िएगा, ये अदब सीखिए। ये अदब सीखिए, ये अदब सीखिए, ये निस्बत, ये रिश्ता कायम कीजिए। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई ऐवान हुकूमत में बैठा है, अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो ज़बान पे सलावात आनी चाहिए। हाँ ये ठीक है कि भाई तन्हा हैं, ऐवान में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, उस वक्त भी हालांकि अगर इतनी आवाज़ में पढ़ें कि आपके कान भी सुन लें तो आपके अजर में ज़बान भी सवाब पाएगी, कान भी सवाब पाएगा, दिल से पढ़ाए तो दिल भी सवाब पाएगा। आपको मालूम नहीं है सवाब की हकीकत भी क्या है, है? और अब जब मजलिस ही मुनक़िद हुई है ज़िक्र की तो यहाँ किस लिए खामोशी से सलावात पढ़ी जाए, ताकि आप गरांगोश ना हो जाएं। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस तबसरे से, जिन साहब ने भी पहुँचाया खुदा उन्हें भी माफ़ फरमाए।
एक हदीस अर्ज कर दूं और फिर आगे बढ़ूं, और यह हदीस वो है जो ऐसी सही सनद है जिसे नवासिब ने भी नकल किया है और तमाम फिरकों ने नकल किया, इसमें कोई मसलकी इख्तिलाफ नहीं है। सलावात के सवाब में तो बहुत सी रिवायतें हैं, बहुत सी हदीसें हैं, लेकिन एक हदीस जिसमें निस्बतन शायद ऐसे ही ज़ईफुल एतिकाद लोगों के लिए सबसे कम सवाब बयान हुआ है, ज़र्फ चाहिए होता है ना। हमें बड़े बूढ़ों से सुना है, बुज़ुर्गों से सुना है कि जो कम ज़र्फ हो उसे अगर कोई बहुत बड़ी नेमत मिलनी हो अचानक मिल जाए तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, हलाक हो जाता है, ज़र्फियत नहीं होती, संभाल नहीं सकता दौलत। तो इसलिए बड़ा बड़ा सवाब जो है वो तो अहले ज़र्फ अहले दिल के लिए बयान किया जाता है, लेकिन एक रिवायत जो सही सनद है हर एतबार से, हुजूर ने फरमाया जो मुझ पर एक बार सलावात भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सब ने गौर से सुन लिया ना, कहीं भी हो, ये जो मीडिया के लोग बैठे हुए हैं ना, इनका तो दीन ईमान फिर मीडिया ही हो जाता है। इन जवानों को भी देख रहा हूँ, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, सिर्फ हमारी बात दूसरों को ना सुनाया कीजिए, खुद भी ध्यान से सुना कीजिए, खुद भी सुनिए उस पर अमल कीजिए, एक अमल कीजिए, हुजूर से मोहब्बत कीजिए और हुजूर का ख्याल भी आ जाए तो ज़बान पे दुरूद आना चाहिए। एक सलावात ये तो दरमियान में बात आ गई थी, चूँकि बहरहाल जितनी बार मैं हुजूर का तज़किरा करूँगा आप सलावात भेज रहे थे और गैर मुनज़्ज़म सी सलावात थी, किसी ने धीरे से भेजी हो, किसी ने ज़ोर से भेजी हो, किसी ने यहाँ से सलावात भेजी, किसी ने वहाँ, तो मैंने चाहा कि फिर इस मौजू पर ही गुफ्तगू कर लूँ। भला जब भी हुजूर का तज़किरा आए, चाहे समाअत से गुज़रे और चाहे निगाह से गुज़रे, किताब आप पढ़ रहे हैं कोई और उसमें आ गया पैगम्बर ने फरमाया, अगर वो कातिब बदज़ौक है और उसने लफ्ज़ पैगम्बर के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम नहीं लिखा है तो आप सिर्फ इबारत ना पढ़िए, पैगंबर जैसे ही आए आप फौरन अपने दिल में और जबान पे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी किताबें पढ़ने का अदब है, वो इल्म तभी मुंतकिल होगा जब शहर इल्म से वफादारी हो। बस अब गुफ्तगू को मुख्तसर करूं, अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई पैगंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और फिर उन्हें किताब की पूरी तफसीर अता फरमाई और उन्हें मामूर फरमाया कि आप लोगों के सामने बयान करें, और हुजूर ने कहा कि ऊती तो अल किताबा व मिथलहु माह, या ऊती तो अल कुरान व मिथलहु माह, ये कुरान और इसी कुरान जैसा ज़खीरा इल्म मुझे साथ साथ अता किया गया है। ये तब है जब हम मिसलहू को सिर्फ तफसीर कुरान लफ्जी तक महदूद रखें, यानी ये कुरान की आयतें हैं और कुछ कुरान मजीद की आयतों की वो तफसीरें हैं जो अता की गई हैं, तो अब वो जो आयत है वमा यंतिकु अनिल हवा, बहुत से हजरात ने वहाँ कहा है कि ये सिर्फ आयात कुरान के लिए है, नहीं आयात कुरान के लिए नहीं आए, पैगंबर जो कुछ भी कहें वो हवाए नफ्स के तहत नहीं कहते। ये नहीं कि जब पैगंबर कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं तो गोया वमा यंतिकु अनिल हवा की शान है, नहीं कुरान नहीं है, खुतबा दे रहे हैं,
रास्ता चल रहे हैं, किसी से मजाक कर रहे हैं, किसी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, किसी की जजर और तौबीख कर रहे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, किसी को बज़्म से उठा रहे हैं। जिस वक्त जहां भी पैगंबर हैं, मा यंतको अनिल हवा, वो ख्वाहिश नफ्स के तहत गुफ्तगू नहीं करते, एक हर्फ अदा नहीं करते। यानी अगर बच्चों को उठा के मिंबर पे बिठा लिया अपने पास, और मजमे से कहा पहचानो ये कौन है, तो ये सिर्फ हवाए नफ्स नहीं आए, ये मोहब्बत पेदराना नहीं आए, ये नहीं है कि आप नाना हैं तो नवासों की तारीफ कर रहे हैं। इन लबों पर मोहर लगी हुई है, वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। हर कलाम आपका उसी मकाम से है। अब अगर ये कलाम जज़ाकुमुल्लाह। अब ये जो फ़िक्रा है कि ऊती अला व इन्नी या इन्ननी ऊतीतुल किताब या ऊतीतुल कुरान व मिस्लहू माह, ये मिस्लहू माह, इसकी एक तशरीह को ये करना चाहे तो कर सकता है, कोई रुकावट नहीं है कि हमें अल्लाह ने कुरान अता किया है और एक कुरान का मिसल है जो इसके साथ साथ अता किया है। अगर कोई ये तफसीर करे, ये ताबीर करे, तो बेजा नहीं है, मुहतमल है, मुमकिन है, मुअय्यद है। मगर इस वक्त चूँकि बात तफसीर और तावील की है, इसलिए हम वहीं तक महदूद रहते हैं कि ये दरअसल तफसीर है तो है ना। बहरहाल अल्लाह ने अता फरमाया, ये पूरा कुरान जो किताब इल्म है, किताब नूर है, किताब रुश्द है, किताब हिदायत है, और जामे तरीन कलाम है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, ये और फिर इस जैसा और ये सब कुछ मिल के बनता है मदीनतुल इल्म। वक्त नहीं है ना, तो मैं फिर उस जबान में बात कर रहा हूँ जो मिंबर की जबान है और जो वही समझ सकते हैं जो मिंबर से फैज़ उठाते हैं, और जो मिंबर से फैज़ नहीं उठाते वो अगर नहीं समझ पाते तो उनकी मजबूरी है। हमारे इस मिंबर की एक तारीख है, ये मिंबर हमने हमारा खुद साख्ता प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मिंबर भी शबी है किसी मिंबर की। जो मिंबर खुदा की कसम उस पैगंबर ने जो बोलता ही नहीं था अपने हवाए नफ से, उसने हुक्म देके एक खास मिंबर बनवाया था। और उस वक्त से लेकर जिसने उस मिंबर से इस्तेफादा किया, और आज तक जो मिंबर के कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो मिंबर की तहजीब से जुड़े हुए हैं, जो मेंबर की रिवायत से जुड़े हुए हैं, ये एक एक फिक्रा ना, ये एक एक मफहूम रखता है, एक एक बहस है। वो ये समझ सकते हैं कि ये कुरान और जो कुछ कुरान के साथ, कुरान जैसा हुजूर को मिला, ये सब कहाँ है। इस सब के पेश नज़र खुदा ने, हुजूर ने फरमाया ना,
कि अना मदीनतुल इल्म, मैं हूँ शहर इल्म। अब कुरान है कहाँ? शहर इल्म में। कुरान के साथ जो मिसलहू मा है वो कहाँ है? मिसलहू मा कहाँ है? वही शहर इल्म में। अब जो कुछ शहर इल्म से लेना हो तो हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीन बाबुहा, और अली उसके दर हैं। ये सिर्फ एक फजीलत की रिवायत ना समझिएगा। आज इस बहसे मुहकम व मुतशाबे में इसलिए बतौर खास अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा की कसम इस उम्मत ने बाब मदीनतुल इल्म से अपना रिश्ता तोड़कर कितना खसारा किया। पैगंबर ने तो वाज़ेह तौर पर कहा था कुरान या कुरानियात से मुताल्लिक कोई भी बात हो, मैं शहर इल्म हूँ, मेरे इल्म से मुताल्लिक कोई भी बात हो अगर तुम्हें हासिल करनी हो तो दरवाजे से रुजू करो। आप गौर फरमाइएगा जो मैंने अर्ज किया, यानी ये अना मदीनतुल इल्म व अलीन बाबुहा, ये सिर्फ एक मौला अली की मनकबत नहीं है, तारीफ नहीं है, सताइश नहीं है, वाहवा सुभानअल्लाह शाबाश नहीं है। कयामत तक उम्मत के लिए एक उसूल फराहम किया गया। रसूलुल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने मुझे कुरान दिया, अल्लाह ने मुझे कुरान की तफसीर दी, मैं हो गया शहर इल्म। अब इस शहर इल्म की कोई भी बात तुम्हें दरियाफ्त करनी हो तो बाबे शहर इल्म से दरियाफ्त करना, यानी हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की हैसियत एक हुज्जियत रखती है। क्या सितम है, हम तफसीर की किताबें खोलते हैं कोई भी हो, हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, हजरत जैद इब्ने अरकम ने फरमाया, अब एक लंबी तवील फहरिस्त है। मुजाहिद ने कहा और कतादा ने कहा और अबू मुस्लिम ने कहा और मुस्लिम ने कहा, एक तवील फहरिस्त है। हमारी तो आंखें तरस जाती हैं, अली ने कहा। ये काल अली उन सबसे कम क्यों हो गया? ये किस पर जुल्म है, अली पर या उम्मत पर? ये किस पर जुल्म है, उम्मत पर या कुरान पर? ये किस पर जुल्म है, खुद कुरान पर और रसूल पर? और सारा जुल्म पलट के आता है किस पर? जालिम पर। कुरान पे भी जुल्म किया आपने, रसूल पे जुल्म किया आपने, अली पे जुल्म किया आपने, खसारे में कौन रहा? आज तक आयतें मुतशाबे की मुतशाबे रह गई। बात वाजे है या नहीं? ये हदीस सुनी होगी आपने बारहा, आना हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दर हैं। इसके मानी बस ये समझे जाते हैं कि इसमें हज़रत अली की बड़ी फजीलत है कि आपके पास बहुत इल्म था, बस ये रुख।
बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म था और आपकी फजीलत है, बात यह है कि हमें हुक्म है इसमें गोया कि इल्म लेना है तो जाओ अली के पास। उलूम खत्म नबूवत, उलूम कुरान, उलूम समावियात जो कुछ हासिल करने हैं, मैं बता रहा हूं रसूल फरमा, मैं बता रहा हूं किससे मिलेंगे। यानी यहां पर जाते गिरामी अली मुर्तजा की एक हुज्जियत मुस्तहकम हुई कि किसी का भी कौल नकल करें किसी और के लिए ये आयत दिखा, ये रिवायत दिखा दीजिए, इस जैसी कोई रिवायत दिखा दीजिए, इस जैसी कोई रिवायत दिखा दीजिए जिसे किसी की शख्सियत की हुज्जियत कायम होती हो। लेकिन ये रिवायत हजरत अली की शान में है तो तन्हा अली हैं जो हुज्जत हैं, बादे मुस्तफा, बादे मुस्तफा। सबका एहतराम अपनी जगह, पढ़े लिखे थे हम मानते हैं, पढ़े लिखे होने पे थोड़ी एतराज है। किसी को शेर बहुत याद थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी को अनसाब का इल्म था, बहुत अच्छी बात है। किसी को लुगत का इल्म था, बहुत अच्छी बात है। सब में खूबियां थीं, हम किसी की खूबी के मुनकर नहीं हैं, गलत फहमियां ना पैदा हों, हम किसी के ना एहतराम में कमी लाना चाहते हैं, ना हम किसी की खूबी के मुनकर हैं, ना किसी के फजलो कमाल के मुनकर हैं। सब के पास खूबियां होंगी मगर अल्लाह और रसूल की तरफ से हुज्जियत किसी को हासिल नहीं है। हुज्जियत यानी ये इस बहस में, बहस तफसीर में, बहस मुहकम व मुतशाबिह में वो चीज मुहकम हो जाएगी जिसे अली मुहकम बना दें। और इसीलिए जो एक जुमले में कुछ बात कह दूं और फिर कल और परसों इंशाल्लाह गुफ्तगू को और ज्यादा, जिसे कहते हैं कि मुनज़्ज़म करके वो किसी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अब हम जब तमाम अहादीस के सरमाए पे नज़र डालते हैं, वो बतौर ख़ास वो हदीसें जो तफसीर से मुतालिक हैं, जो आयात के मजामीन को रोशन करती हैं, बताती हैं कि इस आयत में क्या है, तो हम देखते हैं सारी दुनिया के अकवाल हैं। एक तरफ कुछ किताबें हैं जिसमें सारी दुनिया के अकवाल हैं, इल्ला अली ढूंढने से नहीं नज़र आते, ना अली ना आले अली, न हज़रत अली से अकवाल हैं, न इमाम हसन से हैं, न इमाम हुसैन से हैं, न इमाम सज्जाद से हैं, न इमाम बाकिर से हैं, न इमाम सादिक तरफ एक जखीरा है जो अहले बैत से रिवायतों का जखीरा है, जहाँ है कदम कदम पर, ज्यादातर उसमें हजरत इमाम सादिक और इमाम बाकिर से रिवायतें हैं, लेकिन इन इमामों का इरशाद है कि ये रिवायतें वही हैं कि जो हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी से और फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बहुत कुछ तफसीर के नाम पर मौजूद है। जब मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ भी जिस रावी ने भी नकल किया कबूल कर लीजिए, हरगिज नहीं, मगर उस पर इनायत की नज़र तो डालिए, देखिए तो, मुताला तो कीजिए कि उसमें क्या है। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इंसान समझे, ये तो समझ ही में नहीं आती, बहुत सी चीज़ें हैं जो एकदम से समझ में नहीं आती, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बातें समझ में आती हैं। जहन की आमादगी और दिल की तहारत और पागीजगी और इखलास जरूरी है। अब बिल्कुल आज वक्त तमाम हो गया, लेकिन बताइए इन तमहीदों के बगैर अगर मैं सिर्फ नतीजा अर्ज कर दूं
تو ظاہر ہے کہ نہ ذہن مطمئن ہوگا، نہ قلب مطمئن ہوگا، نہ ذوق مطمئن ہوگا، تو یہ تمام تمہیدات و مقدمات ضروری ہیں کہ عرض کیے جائیں. ایک ذخیرہ ہے حدیث کا، حدیث آل محمد ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور جس میں قرآن مجید کے الفاظ و کلمات کی تشریحیں بھی ہیں، اور وہ چیزیں جو بظاہر متشابہ معلوم ہوتی ہیں اس کو وہاں محکم طریقے سے بیان کیا گیا ہے. جو چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی، معصوم مسکرا کے سمجھا دیتا ہے، کہتا تم سمجھے نہیں، یہاں یہ مراد ہے. اور ایک سلسلہ ہے آیات کا، بہت سی وہ چیزیں جس میں حضرات گم ہیں، بہت سی قسمیں جو کھائی گئیں. مثلا بس مثال کے طور پہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب تین سے کیا مراد ہے، زیتون سے کیا مراد ہے، طور سینین سے کیا مراد ہے، بلد امین سے کیا مراد ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یہ بلد سے کیا مراد ہے، اور یہ والد سے کیا مراد ہے، اور یہ ولد سے کیا مراد ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. کیا یہی ظاہری شمس اور یہی ظاہری قمر مراد ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی حقیقت مراد ہے؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. اس میں صافات سے کیا مراد ہے، زاجرات سے کیا مراد ہے، تالیات سے کون مراد ہے؟ کتنی قسمیں ہیں، کتنے کلمات ہیں جن میں مفسرین میں واضح اختلاف ہے. مفسرین میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے متشابہ ہے. اور مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ کیا نبأ عظیم کے بارے میں، جس میں یہ اختلاف کا شکار ہیں؟ تو یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ کتنے سوالات ہیں. ہمارے لیے تو یہ چیز علم نشرہ ہو جاتی ہے جب معصوم کہتے ہیں کہ دعا پڑھو، اور جب مولا علی پہ درود بھیجو تو اس طرح بھیجو، اللہم صل علی علی امیر المؤمنین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و النبأ العظیم. تیزی سے بس، اب آیتیں ہی تو پڑھ سکتا تھا، الفاظ سنا سکتا تھا ہر فقرے کا. ابھی میں نے کوئی تعویلی اور تشریحی بیان معصوم سے نقل نہیں کیا، اور اس لیے بھی نقل نہیں کیا کہ ماشاءاللہ مجلس مجلس حسینی ہے. خدا کی قسم، فرش عزائے مجلس پر بیٹھنے والے، اور فضائے مجلس میں سانس لینے والے، اور ممبر کی روایت سے جڑے ہوئے رہنے والے، ان کے اوپر بہت سے وہ اسرار منکشف ہیں جو دوسروں کے ہاں علماء اعلام جس سے محروم ہیں. دین سے کون مراد ہے، زیتون سے کون مراد ہے، بلد امین سے کون مراد ہے، نبأ عظیم سے کون مراد ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، اشارات کافی ہیں. تو محکم اور متشابہ کی بحث کتنی ہی کر لیں مفسرین، یہ بحث نتیجہ خیز، تشفی بخش اور یقین آور ہو نہیں سکتی جب تک کہ باب مدینۃ العلم تک نہ پہنچے. علی تمہاری ضرورت ہیں، علی اس امت کی ضرورت ہیں، علی قرآن کی ضرورت ہیں، علی تفسیر کی ضرورت ہیں.
ये अली हैं जो खामोश रहें तो खुद कुरान नजर आते हैं, और कुरान अगर बोलता हुआ सामने आ जाए तो सिवाय अली के कोई और मुतमस्सिल नहीं होता। अली हैं। ये पूरी जो बहस मुहकम व मुतशाबे की है ये कदम कदम पर याद दिलाती है, एहसास दिलाती है ज़रूरत मासूम की। मासूम दरकार है। मासूम कौन? अब बस एक, अब मासूम की तफसीर और तशरीह में बहुत सी बातें, हम तो मासूम बस उसे जानते हैं जिसके इल्म का सर चश्मा आपके अक्वाल व अफ़ाल से हटकर कुछ भी उसके यहाँ ना हो, दुनिया भी उसे दी जाए इस शर्त पर कि किसी और के भी रवैये को इख्तियार कर लीजिए तो वो करे, यानी सीरत मुस्तफ़ा में शिर्क से उसी तरह परहेज करे जैसे खुदा की जात में शिर्क से परहेज। करबला का भी यही फलसफा है, और कोई फलसफा नहीं है करबला का। बहुत ज्यादा जहमतें न फरमाएं कि इसकी सियासी तफसीर करें और इक्तसादी तफसीर करें और कबीला वाराना जहनीत के तहत तफसीर करें, नहीं ऐसा ना करें। करबला की असास तौहीद है, तौहीद बारी तआला, अल्लाह है और बस अल्लाह हुसैन के है और बस हुसैन के सामने और हुसैन वालों के सामने। ये जुमला इसी तरह थोड़ी महफूज रह गया तारीख में, बेटा है तो पूछता है क्या हम हक पर नहीं हैं, भतीजा है तो पूछता है क्या हम हक पर नहीं हैं। और ये छोटे छोटे मुकालमे तारीख में आखिर क्यों सब्त हो गए? ये खुद तारीख का मौजज़ा है कि मदीने मक्के और करबला के रास्ते में हज़रत अली अकबर ने दरियाफ़ किया बाबा से, जब ये कहते हुए सुना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बेटा था बेटा, वो भी कौन बेटा? अली अकबर, बराबर बाबा के रहवार के बराबर बराबर चल रहे थे, देखा कि बाबा ने एक मरतबा कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा बाबा ये इस वक्त कलिमा इस्तिरजा बयान करने का क्या मौका है? ये मुकालिमा तारीख में क्यों महफूज है? और सैकड़ों नहीं हज़ारों नहीं लाखों बार दोहराया जाता है और आप सुनते हैं और दोहराया जाएगा, इसलिए कि इसमें हकीकतें पोशीदा हैं। मौला ने फरमाया हम हक पर न होंगे तो कौन होगा, तो क्या फरमाया? इज़न ला नुबाली बिल मौत, तो फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं है। ये जवान बेटे अली अकबर का जवाब है। और जब शबे आशूर अस्हाब के दरमियान आपने खुतबा इरशाद फरमाया है और कहा है कि देखो ये रात की तारीकी, तुम इस रात को अपने लिए मरकब बना लो और जहाँ चाहे चले जाओ, ये जो आया है दुश्मनों का लश्कर ये सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, तुमसे कोई तारुज ना करेगा, जिसे जाना हो चला जाए। और उसके बाद आप हजरात समाअत फरमाते रहते हैं। उसके बाद अस्हाब ने तकरीरें की, अस्हाब से पहले सबसे पहले जिसने तकरीर की है वो कोई और नहीं था, वो हजरत अबुल फ़ज़ल अल अब्बास। हजरत अब्बास ने तकरीर की बनी हाशिम में से सबसे पहले, और अस्हाब में से सबसे पहले हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने तकरीर, और फिर कई असहाब उठे और अपनी अपनी वफादारियाँ
ज़ाहिर की, इमाम की नुसरत के लिए अपने जज्बे का इजहार किया। जब सब खामोश हो गए तो एक इमाम हसन का लाल जो अभी ज़ाहरी तौर पर बालिग भी नहीं हुआ था, जो रुश्द व कमाल की ज़ाहरी मंजिल तक नहीं पहुंचा था, तारीख की लफ्ज़े हैं कि लम यबलुग अल-हुलम, बालिग नहीं हुए थे, 13 बरस का सिन था तकरीबन, वो उठे और अब ज़ाहिर है उसका तर्जमा जो उर्दू में है वो हम अपने मुहावरे के मुताबिक कर लेते हैं कि चचा जान अम्मू जान, क्या मेरा नाम भी है शहदा की फहरिस्त? लेकिन सुनते ही आप भी तड़प गए ना, आका हुसैन ने इन बच्चों को जीने के लिए पाला था। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया है और आपकी शहादत हुई है तो ये बच्चे बहुत छोटे थे, कोई 2 बरस का था, कोई 2.5 बरस का था, कोई 1 बरस का था, कोई 3 बरस का था, इसलिए कि वाकई करबला इमाम हसन की शहादत के तकरीबन 10 बरस बाद हुआ है, 10 या 11 बरस बाद। तो ये बच्चे सब के बारे में आका हसन ने इमाम हुसैन को जिम्मेदारी दी थी और उसके बाद से इमाम हुसैन ही इनके वालिद भी थे, इनके बाबा भी थे वालिद की जगह। तो आका हुसैन ने इन बच्चों को, भतीजों को जीने के लिए पाला था। जिसे जीने के लिए पाला है और अभी वो बालिग भी नहीं हुआ है, वो पूछ रहा है कि अम्मू जान मेरा नाम भी मरने वालों में है या नहीं? क्या गुजर गई आका हुसैन के दिल पर? समाज फरमाए का हाँ 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 बेटा कासिम, पहले ये तो बताओ कि मौत तुम्हें कैसी लगती है? खुदा की कसम, मौत के ताल्लुक से दुनिया भर का अदब एक तरफ और इस इस्मत ज़ादे का, इस इमाम ज़ादे का एक जुमला अहला मिनल असल, मौत तो हमें शहद से ज्यादा शीरी मालूम। क्या जुमला है, शब आशूर गुजर गई, सुबह आशूर नमुदार हुई, शब भर जनाब कासिम को मादर गिरामी जनाब उम्मे फरवा ने भी बहुत सजाया संवारा, खूब प्यार किया, बार बार सीने से लगाया और बस एक ही बात कहती थी, बेटा कल अम्मू जान पर बड़ा सख्त वक्त पड़ेगा, कल घमसान का रन पड़ेगा, जनाबे बीबी फातिमा जहरा के सामने शर्मिंदगी ना हो। इत्तेमाम तक पहुंचा और फिर अहले बैत से सिलसिला शुरू हुआ, यहां तक के बहुत कम तादाद रह गई। तो जनाबे उम्मे फरमा ने कहा, कासिम बेटा हर माँ अपने बच्चे को मौत से बचाना चाहती है, खतरात से बचाना चाहती है, लेकिन ये करबला की माएँ हैं, बेटा अभी तक तुम मैदान में नहीं गए? जनाब इमाम हसन का ये शाहजादा तलवार हमायल किए हुए की खिदमत में आया। अब ये किताब में अगर मैंने खुद ना पढ़ा होता तो हरगिज़ मैं मिंबर से ना पढ़ता, लेकिन ना मैं मसाइब में बहुत सी चीज़ें मुकर्रर पढ़ता हूँ, इसलिए कि और
ये वाकयात ऐसे हैं, इसमें इतनी अलमनाकी है, इतनी हकीकत है, इतनी वाकईयत है कि लाखों बार सुने तब भी आंखों से आंसू थोड़ी है, कोई तारीख की दास्तान थोड़ी है। अरे ये हुसैन के घर आने का एजाज है। एक एक जुमला दिल और जिगर को चाक करके रख देता। ये चूंकि मेरी निगाह से गुजरा है इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सबको हुसैन रुख्सत करते थे, लेकिन चंद अफराद ऐसे हैं जिन्हें खास अंदाज से रुख्सत किया है। उनमें से एक कासिम है। जनाब कासिम आए हैं तो पहले तो कहा कि बेटा तुम अपने माँ के लिए सहारा हो, तुम्हें कैसे इशारा कहा, कहा ये माही ने तो कमर में तलवार लगा। अम्मू जान आप इजाजत नहीं दें, रिवाज में भतीजे को सीने से लगाया और इतना गिरिया किया कि एक खशी हो गई जमीन पर, एक तरफ हुसैन एक तरफ कासिम। बस दो फकरे अर्ज करूंगा, इससे ज्यादा अर्ज नहीं कर सकूंगा। आप गिरिया फरमा रहे हो, माल मजलिस हासिल हो चुका, गश खा के गिरे जमीन पर, फिर उठे, फिर कलेजे से लगा ली जनाब कासिम गए तो उनके हुस्न का आलम यह था कि फौज दुश्मन के रावी ने कहा है हमें ऐसा लगा जैसे चांद का कोई टुकड़ा आ रहा। अजब, मैं हमेशा एक ही सवाल करता हूं, जब दुश्मन की नजर, जब दुश्मन की नजर किसी को चांद जैसा निगाह में कैसा होगा। कासिम निकले, हुस्न का ये आलम है और सादगी का क्या आलम है, मासूमियत का क्या आलम है। आपकी नालैन का एक तस्मा टूटा हुआ था, वैसे ही चले गए, हल्का सा कुर्ता था, बदन पर कोई जिरह नहीं थी, बस हल्का सा कुर्ता है, एक नालैन का तस्मा टूटा हुआ है, रिकाब गए और फिर भी बेपनाह जंग की। अब बस अब वक्त नहीं है कि मैं जंग बयान करूं। दूसरे जाकिरीन माशाल्लाह शहरे कराची शहरे आजा है, मुसलसल आप ये मसाइब सुन रहे हैं, बेपनाह जंग की, दाद शजाअत दी, बताया तारीख में, दर्ज किया इस हकीकत को कि अबू तालिब के बच्चे आले मोहम्मद के बच्चे कैसे बहादुर होते हैं, लेकिन कब तक जंग करते हैं। और फिर गद्दारों से जंग, जो उसूल जंग की रियायत भी नहीं करते, चारों करने लगा जब हलके में आए, और उसके बाद फिर एक पहलवान बतौर खास दुश्मन आगे बढ़ा और उससे कासिम की जबान से निकला चचा जहान मदद को आई। करबला के जितने शुहदा हैं उनमें बस एक ये बच्चा है जिसकी जबान से निकल गया चचा जहान मदद को आई। उधर आका हुसैन पढ़े और तेजी से पहुंचे, जब पहुंचे तो देखा कि हसन का लाल जमीन पर है
और कोई दुश्मन है, कोई शकी है जो सर को कलम करना चाहता है? बस हुसैन तड़प गए, ललकार के उस पे हमला आवर हुए। वो शकी तो आका की इज्जत से बचा। शबीह लेकर आना चाहते हैं लोग, बस आखिरी जुमला कह रहा हूं इस वक्त, इधर की फौजें उधर, उधर की फौजें उधर, दरमियान में खुबा कहते हैं पूरा जिसमें